डियर स्टूडेंट, आई एम लोकेश अग्रहरी, आई टीच यू मैथ्स इन सम टेक्नोमेटिकल फंक्शंस। आई हैव प्रोड्यूस्ड इन IERT, IIT एंड GMT। ठीक है, मैं आज आप लोगों को मैथ्स ब्रांच में एक ऐसी चैप्टर को आपके सामने मुझे नोट्स कराने जा रहा हूँ, जो चैनल बड़ा ही ज़बरदस्त है मेरा, LK मैथमेटिक्स टेक्निकल गुरु। आप तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स डिपार्टमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने अपलोडेड कराए जाते हैं, उसमें से सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं अपने तरीके से डील किया हूँ, जो आप इसे कई तरीके से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे आपके पास सबसे छोटा सा मैं एक टॉपिक लूँगा, जैसे ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, क्या है ट्रिग्नोमेट्री? सबसे बड़ी बात, ट्री का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझें। ट्री का मतलब होता है तीन, ग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में पूरी तरीके से लेक्चरबाजी करना, क्या कहलाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें एक शर्त है, किसी तीन भुजाओं में आपका एक भुजा परपेंडिकुलर होगा, यानी उसी इसके जो एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, तब आपका क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये त्रिपल पे बनते हैं तो इस पर भी विदाउट परपेंडिकुलर डाले आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बिना भी किसी क्वेश्चन को हम आगे की तरफ अपने क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन कैसा भी हो हम लोग किसी तरीके से समझते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि कई तरीके के वैज्ञानिक आए, जैसे मैथमेटिक्स में मैं बता रहा हूँ, जैसे आर्यभट्ट। ठीक, अब इनकी तुलना में दूसरा क्या था, चाणक्य जैसा माइंड रचने वाले बाणभट्ट। ठीक है, तो कई सारे लोग क्या किए, अपना एक एक तरीके से आकर के इस पर काम किए, लेकिन इन्हीं बीचों में से एक इंसान ऐसा भी था जो मैथ्स में अपना नाम रोशन किया था। ठीक है, फिजिकल कैलकुलेशन बाय द शेयर हाइपोथेसिस। तो हम लोग सिंपल सा उस साइंटिफिक रीजन को हम बता सकते हैं, वो आदमी था कौन, तो थे पाइथागोरस। ठीक है, ये आपका है पाइथागोरस। ठीक, अब आपको सुन में आता है कि इसमें ही एक परपेंडिकुलर था पाइथागोरस जी, जिस लेक्चर के बारे में बातचीत किए थे, सबसे पहले मेन टॉपिक था उनका परपेंडिकुलर। ठीक, दूसरा क्या था, दूसरे के बारे में ही बताऊंगा, जो दूसरा था आपका वो था बेस। क्या था? बेस था। ठीक, अब बेस में क्या होता है, ठीक आधार होगा, आचार जैसा दिख रहा है। अब ये आपका परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और इसमें बनाता है, जैसे कि मैं कई तरीके से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन को उसमें आपको समझना है। पहला नंबर आती है पाइथागोरस प्रमेय, कि पाइथागोरस प्रमेय ये था कि लंब का स्क्वायर प्लस या परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू एच का होल स्क्वायर, यानी टोटल सा ये क्वेश्चन था पाइथागोरस प्रमेय में, यदि आप अभी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बेस का होल स्क्वायर सीधे क्या करता है, एच स्क्वायर के ऊपर डिनोट्स कराता है। ठीक, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। इस पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको बाय चांस दिया रहेगा पी इक्वल टू 5। ठीक, पी इक्वल टू 5 और आपको बी इक्वल टू 4 दिया रहेगा। ठीक, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सिंपल सा 5 5 जै 25, 4 का क्या होता है 16 होता है। अब इसमें से जो प्लस एडिशनल की अगर बात की जाएगी, ये तो आपका 41 बनाता है, क्या बनाता है
41 बनाता है, लेकिन आप इसमें ये समझेंगे जो आपका 41 जो बनाया है इसमें, अगर यही चीज़ माइनस मार्किंग में अगर होता आपका, तो 5 के स्क्वायर तक को पता है 25 होता है, 4 का 16 9 आता, तो 9 किसका रूट बनता है, ये आपका 3 का बनता है, तो आप ऐसे तो कर ले जाते। तो कई तरीके से इनका जो वैकेशन होता है पाइथागोरस जी का, एक पूरे ट्रिग्नोमेट्री पर क्या करता है, अपना एक ओवर रिकॉर्ड बनाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, कई तरीके से समझो, आपको समझाने में मैं कसर भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी तरीके से प्रैक्टिस डालता हूँ।